सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग Nubia Red Magic 3 गेमिंग फोन की और आपको बताएंगे इस फोन को यूज करने के बाद हमारा फर्स्ट एंड इनिशियल इम्प्रेशन। दोस्तों ये है Nubia Red Magic 3 की बॉक्स और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर हमारा Red Magic 3 गेमिंग फोन के अलावा हमें और क्या क्या चीज मिलता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो ये है Nubia Red Magic 3 का बॉक्स और इस बॉक्स के पीछे आपको कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलता है। जैसे इसमें हमें मिलता है Snapdragon 855 6.65 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, जिसमें है 90 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि ये गेमिंग फोन है और इसीलिए इसमें हमें मिलता है टच सेंसिटिव ट्रिगर्स, 4-dimensional हैप्टिक इंजन, RGB LED स्ट्रिप, एक फिजिकल कूलिंग फैन और एक सुपर एफिशिएंट गेम स्पेस, जिसके फीचर्स को हम बाद में चेक कर लेंगे। वैसे यह है 8GB रैम, 128GB स्टोरेज वेरिएंट Red Magic 3 और यहाँ पे बॉक्स के ऊपर कोई प्राइस कोटेड नहीं है क्योंकि ये रिव्यू यूनिट है और आपको इस फोन का प्राइसिंग डिटेल्स मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एनीवेज हम जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर हमें पहले मिल जाता है हमारा फ़ोन जो इस प्लास्टिक कवर में रैप किया हुआ है। अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कि फ़ोन के नीचे हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है। यहाँ पे इस ब्लैक एनवलप के अंदर हमें मिलता है सिम कार्ड इजेक्टर टूल, उसके साथ कुछ पेपर वर्क जैसे क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और कुछ Red Magic का स्टिकर्स, पर अनफॉर्चुनेटली इसके साथ इन द बॉक्स हमें कोई TPU केस नहीं मिलता है। नाउ इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है चार्जिंग और डेटा सिंकिंग के लिए एक USB टाइप सी केबल, क्योंकि फ़ोन में हमें मिलता है USB टाइप सी पोर्ट। फाइनली इस बॉक्स के अंदर है हमारा 18 वॉट की फास्ट चार्जर। ऑलराइट, तो ये सब कुछ जो हमें मिलता है बॉक्स के अंदर। दोस्तों ये है Nubia Red Magic 3 और अभी इस प्लास्टिक कवरिंग को खोल के फोन को यहाँ से निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो ये है Red Magic 3 और गेमिंग फोन होने की वजह से आपको पीछे के साइड एक अलग सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। वैसे दिखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है। एनीवे सामने यहाँ पे हमें मिलता है 6.65 इंच के एक फुल HD प्लस HDR enabled AMOLED डिस्प्ले, जिसमें हमें कोई नॉच वगैरह नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको टॉप एंड बॉटम में बेजल्स देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन में आपको एक 90 हर्ट्ज की पैनल मिलता है और ये दुनिया की काफ़ी कम फोन्स में से एक है जिसमें आपको ऐसा सुपर स्मूथ UI एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। ऊपर की बेजल्स के नीचे आपको मिलता है प्रॉक्सिमिटी और लाइट सेंसर, फ्रंट फेसिंग 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और जो डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर से उसमें ऊपर वाला स्पीकर ईयरपीस का भी काम करता है। एनीवेज गेमिंग के टाइम फोन में ज्यादा हीट जनरेट ना हो पाए इसकी वजह से आपको पीछे की तरफ मेटल बॉडी देखने को मिलता है। उसके साथ है 48 मेगापिक्सल की f1.7 एपर्चर वाला कैमरा, जिसमें आप 8K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। कैमरे के अलावा यहाँ पे मिलता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर, RGB LED लाइट स्ट्रिप और ठीक उसके नीचे है Nubia का LED लोगो, जो दिखने में अगेन काफी बढ़िया लगता है। इसमें हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है एक फिजिकल कूलिंग फैन, जिसके साथ यहाँ पे फ्री एयर फ्लो के लिए एयर वेंट्स भी देखने को मिलता है। फोन के ऊपर हमें मिलता है 3.5mm हेडफोन जैक और नीचे के साइड है हमारा USB टाइप सी पोर्ट। राइट साइड में आपको देखने को मिलता है एयर वेंट्स, वॉल्यूम कीज, पावर बटन और गेमिंग ट्रिगर्स, जिसको हम बाद में PUBG खेल के चेक करेंगे। लेफ्ट में है एक एक्सेसरी पोर्ट जिसमें आप डॉकिंग स्टेशन जैसे एक्सेसरी को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ है गेम स्पेस टॉगल और हमारा सिम कार्ड ट्रे, जिसको अभी खोल के देख लेते हैं इसका सेटअप। दोस्तों Nubia Red Magic 3 में हमें मिलता है डुअल सिम स्लॉट, मतलब डुअल नैनो सिम के अलावा यहाँ पे आप कोई एक्सटर्नल SD कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे, पर इसकी बेस वेरियंट में आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है, जिसकी वजह से आपको स्टोरेज के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नाउ फोन को फर्स्ट टाइम के लिए बूट कर लेते हैं और आई होप कि इसमें कुछ चार्ज है और ये समय मिल गया हैप्टिक फीडबैक और फोन बूट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जब तक बूट होकर सेल्फ स्क्रीन पे आता है, तब तक हम क्विकली देख लेते हैं Nubia Red Magic 3 की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों Red Magic 3 में हमें मिलता है 6.65 इंच की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले। इसमें हमें मिल जाता है Snapdragon 855 चिपसेट और उसके साथ 8 या फिर 12GB का रैम ऑप्शंस और 128 या फिर 256GB तक का स्टोरेज वेरिएंट्स। कैमरे की अगर बात करें तो पीछे की तरफ हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल की f1.7 एपर्चर वाला IMX586
6 सेंसर और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा। रेड मैजिक 3 के साथ आता है 5000 एमएच की बैटरी, जिसके साथ आपको मिलता है 18 वॉट की फास्ट चार्जर। इसमें मिलता है लिक्विड कूलिंग, आरजीबी लाइट पैनल, प्रेशर सेंसिटिव गेमिंग ट्रिगर्स, डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन और एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स। ऑलराइट, तो फोन बूट हो गया है और ना हम जल्दी से इसका इनिशियल सेटअप कर लेते हैं। तो यार, हमने फोन को सेटअप कर लिया है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमें स्टॉक लुक जैसा यूआई मिलता है। इसकी 90 हर्ट्ज पैनल में यूआई जो है वो एकदम सुपर स्मूथ लगता है। वैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से आपको कोई भी वीडियो देखने के टाइम या फिर गेमिंग करने के टाइम बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एनीवेज, जल्दी से चले जाते हैं सेटिंग्स में और सिस्टम में जाके अबाउट फोन में जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हमें मिलता है एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ से बैक करके स्टोरेज सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि 128GB इंटरनल में से आपको ऑलमोस्ट 118GB फ्री मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे हमने ऑलरेडी कहा है कि फोन की यूआई काफी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है और इसमें आपको ऑलमोस्ट कोई भी ब्लोटवेयर या फिर अनवांटेड एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है। और दोस्तों, फोन के पीछे जो हमें आरजीबी एलईडी स्ट्रिप मिलता है उसे आप अपने लाइकिंग से हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फोन को सेटअप करने के टाइम हमने फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को भी सेटअप कर लिए थे, तो उसे हम अभी चेक कर लेंगे। तो यार, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसका शेप एक्चुअली हमारे फिंगरप्रिंट जैसा नहीं है, क्योंकि गेमिंग फोन होने की वजह से इसके हर एक चीज में आपको एक स्टेल्थ लुक देखने को मिलता है। पर इसका सेंसर बहुत ही फास्ट है, बस ऐसे टैप करके छोड़ दीजिए और फोन इंस्टेंटली अनलॉक हो जाएगा। ना इसे फिंगरप्रिंट स्कैनर बल्कि फेस अनलॉक भी आपको काफी फास्ट देखने को मिलता है इस फोन में। नाउ, इसमें हमें एक डेडिकेटेड गेम स्पेस मिलता है जिसे आप एनेबल कर सकते हैं साइड की इस टॉगल से। यहाँ पर आप हर एक गेम के लिए परफॉर्मेंस सेटिंग्स को ट्यून कर पाएंगे, रियल टाइम सीपीयू स्पीड और फोन टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं और उसके साथ गेमिंग के टाइम नोटिफिकेशन या फिर मैसेजेस को ब्लॉक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 4D शॉक इंजन मिलता है जिससे पबजी खेलने के टाइम अगर आपको कोई अटैक करता है तो फोन में आप रियल टाइम वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे। यहाँ से आप इन गेम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फैन स्पीड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे हमने आपको पहले बताया कि इसमें हमें एक फिजिकल कूलिंग फैन मिलता है, तो अगर आप रैपिड कूलिंग में इसे सेट कर देते हैं देन आपको फैन स्पीड का साउंड एक्चुअली सुनाई देगा। दोस्तों, पबजी जैसे गेम्स को खेलने के टाइम आप यहाँ से टच बटन्स को असाइन करके फिजिकल गेमिंग ट्रिगर्स को यूज कर पाएंगे, जिससे आपको इजीली चिकन डिनर मिल जाएगा। इस फोन में पबजी जैसे कोई भी हेवी गेम्स को आप चलाइए, आपको जीरो लैग एक्सपीरियंस मिलेगा और इस फोन में गेम्स एकदम अल्ट्रा स्मूथ चलता है। तो यार, चले जाते हैं कैमरा ऐप पे। यहाँ पे बहुत सारे मोड्स और फिल्टर्स का ऑप्शन हमें मिल जाता है। प्रो मोड में आप मैन्युअली हर एक सेटिंग को चेंज करके पिक्चर्स खींच सकते हैं। यहाँ पे हमें काफी सारे एडिशनल मोड्स मिलता है जैसे मल्टी एक्सपोजर, लाइट पेंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक एपिचर, क्लोन और टाइम लैप्स। सबसे पहले चले जाते हैं सेटिंग्स में और जैसे आप देख सकते हैं कि रियर कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें मैक्सिमम मिलता है 8K तक रिकॉर्डिंग सपोर्ट, पर 8K का फीचर अभी बीटा स्टेज में है और इसीलिए अभी 8K वीडियोस 15 फ्रेम्स पर सेकेंड में रिकॉर्ड होता है। पर अगर आप जूम करते हैं तो आपको अल्ट्रा क्लियर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। इसकी 48 मेगापिक्सल कैमरे से ली गई फोटोज़ में आपको बढ़िया डिटेलिंग देखने को मिलता है। फोटोज़ में कलर्स, एक्सपोजर और ओवरऑल शार्पनेस बढ़िया है और किसी भी फोटो में जूम करने से आपको सुपर क्लियर क्वालिटी मिलता है। तो यार, यही था अनबॉक्सिंग नूबिया रेड मैजिक 3 की और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन से बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें यूआई की तो फ्रेंकली आइकन्स को छोड़ के आपको इसकी यूआई बढ़िया लगेगा, पर प्ले स्टोर से आप कोई भी कस्टम लॉन्चर को इंस्टॉल करके इसकी आइकन्स या फिर ओवरऑल लुक को आपके लाइकिंग से हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई भी अननेसेसरी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल नहीं है इसकी यूआई में, जिससे आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एक्सपीरियंस इस फोन में मिल जाता है। वैसे फोन में 5000 एमएच बैटरी और मेटल बॉडी होने की वजह से फोन थोड़ा हेवी है, स्पेशली अगर आप फोन को वन हैंडेड यूज करते हैं। पर इसकी एमोलेड डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज पैनल में आपको बहुत ही मजा आएगा, स्पेशली गेमिंग के टाइम। अगर सिर्फ बात करें बेस वेरिएंट की तो 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 855, 5000 एमएच की बैटरी, AMOLED 90 Hz डिस्प्ले, डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स और वर्थ मेंशनिंग 48 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा के साथ ये फोन एकदम सुपर पैक्ड स्मार्टफोन है। इसमें आपको और एक वेरिएंट मिलता है जिसमें आपको 256GB स्टोरेज के साथ 12GB का रैम मिलता है, जो काइंड ऑफ ओवरकिल है किसी स्मार्टफोन के लिए। वैसे अभी तक मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग पता नहीं है, पर आपको प्राइसिंग डिटेल्स मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, यही था हमारा अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन ऑन नूबिया रेड मैजिक 3। पर नाउ आपको क्या लगता है रेड मैजिक 3 गेमिंग फोन के बारे में हमें
हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट्स में। और ये आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।